दक्षा चाची, ओ दक्षा चाची, चाची, ओहो, क्या है तुलसी? दक्षा किचन में काम कर रही है। माँ, वो मैंने जो गोल पापड़ी कही थी वो बन गई क्या? बहुत भूख लगी है। बना रही हूँ, बना रही हूँ। अरे तुलसी, ये क्या है बा? आप मुझसे मिलने भी नहीं आए। अरे तुलसी से मिलने के लिए सविता है, दक्षा है, मेरी क्या जरूरत है? अच्छा ये देख, ये तेरे लिए है। क्या है बा? अरे खुल के देख, तेरे लिए कुछ बनाया है। गोल पापड़ी? माँ भी किचन में मेरे लिए यही बना रही है। बा, आपने मेरी मन की बात सुन ली। हाँ, तू मेरे दिल के करीब जो है। अच्छा खा के बता, देख कैसे बना है। बा, आपने बनाई है तो अच्छी होगी। अच्छा देख, तुझे कुछ भी इच्छा हो ना खाने की मुझे बता देकर, मैं बना दूंगी। बा, मैं यहाँ पड़े पड़े बोर हो गई हूँ। मिहिर ने भी मुझे यहाँ से उठने से मना किया है। अरे भाई, यही तो मौका है सबसे सेवा कराने का, और ये मौके बार बार नहीं आते। हाँ नहीं बा, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। चलिए मेरी छोड़िए, आपकी क्लासेस कैसे चल रही है? अरे हाँ, मैं इसी लिए आई थी। देखिए ड्रेस दिखानी तुझे, ये देख, फ्यूजन पे बेस करके बनाई है मैंने। बहुत अच्छी है बा, इंडियन और वेस्टर्न कल्चर का बहुत खूबसूरत एग्जांपल है फ्यूजन। अच्छा तुझे पसंद आई, तब तो लड़कियों को जरूर पसंद आएगी। ऐसा क्यों भाई? तुम लोग वो क्या बोलते हैं ना, आजकल की मॉडर्न पीढ़ी की हो ना, क्या बोलते हैं उसको? तो फिर आप कौन सी पुरानी पीढ़ी की हैं, है ना? हाँ ये बात भी है। सविता दीदी, अरे गायत्री, तुम लोग ने कुछ सुना क्या? क्या हुआ लक्ष्मी भाभी, क्या बात है? आज शाम को बाकी सहेलियां इधर घर पे आ रही है खाना खाने को। और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरी सात आ रही है। वो गाना याद है तुम लोग को? विदा था मैं, सात सहेलिया खड़ी खड़ी फरियाद। यहाँ पे खड़ी खड़ी नहीं होगी, वो सात सहेलिया डिनर टेबल पर बैठी बैठी होगी, और हम लोग खड़े खड़े उन लोग को सर्व करते होंगे। और मजे की बात तो ये है, तुलसी ने मधु और धन्नू को गांव भेज दिया है। वो तो ठेरे परदेसी है, काम क्या आएंगे बोलो। तुलसी ने रघु और धन्नू को गांव भेज दिया? किसकी परमिशन से? और हमें तो कुछ नहीं बताया। अरे वही तो, मैंने भी उसको पूछा बेशक क्यों भेजा उन लोग को। हाँ। तो मुझे कहने लगी, वो लोग है ना बहुत दिनों से छुट्टी पे गए नहीं है गांव, तो मैंने उनको भेज दिया। अभी क्या करेंगे हम लोग? दक्षा, आज सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो क्या है, मुझे थोड़ा बुखार जैसा लगता है, पूरा बदन टूट रहा है। गायत्री, तुम तो हो ना घर पे, हम लोग साथ में मिल के हेल्प करना मुझे। तुम हैं? नहीं भाभी, मैं तो शाम के बाद ही आऊंगी। एक्चुअली मैं और जीडी ना अंबा भवन का डेवलपमेंट देखने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी भाभी। हाँ, अरे मतलब दुख का पहाड़ मुझ अकेले पर टूट पड़ा। क्यों दक्षा भाभी, आप तो जूनागढ़ में 60 जन का खाना अकेले बना लेती थी। हाँ। है ना भाभी? हाँ। और आज तो सिर्फ 7 जन है। नहीं, लेकिन जूनागढ़ में मैं अकेली नहीं रहती थी, मेरा भाई भूपत साथ में था ना मेरे को हेल्प करने को। मतलब आज बा का किला घर में होगा। हे भगवान! दक्षा, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बा ने उन लोगों को इनवाइट किया है, तो उससे पहले हमें पूछना चाहिए था। उनको ये सारा काम करने दो, उनको भी पता चलेगा कि हम नहीं होते तो क्या होता है। और तुलसी को ना हम बिल्कुल नहीं उठने देंगे। अरे लेकिन मैं तो फंस गई ना, मुझे तो अब करना पड़ेगा ना सब। जूनागढ़ की राजकुमारी अब रसोड़े की रानी बनेगी। अरे तुम एक काम करो ना, चिराग की शूटिंग पर चली जाओ। अरे चिराग की शूटिंग इधर होती तो मैं भागी जाती थी, लेकिन उसकी शूटिंग तो आउट ऑफ मुंबई है ना। अरे सोचो तो जरा, बाकी सहेलियां कैसी होगी, एक एक से बुढ़ी होगी। सुलोचना, लीला चिटनीस, निरूपा, रोय, मैं सब बुढ़ों को खिचड़ी बना दूंगी। और ये तो सोचो दक्षा कि उन लोग हमारे घर आएंगी और हमारी सास उनके सामने हमारी बुराई करेगी और तुम्हें उनको सर्व करना पड़ेगा। तो फिर
ऑल द बेस्ट दक्षा भाभी। अरे रा, तीन तीन बहुरानिया और एक दासी। सविता दीदी, गायत्री, तुलसी, तीन बहुरानिया और मैं दासी। भगवान जलाराम बापा, मेरे को शक्ति दे कि मैं सबके लिए खाना बना सकूं और बाद में जिंदा भी रह सकूं। अरे अरे रो, अभी भी कितना काम बाकी है, प्याज काटने के व घर देने का है। अरे दक्षा, हाँ? तू अकेली किचन में काम कर रही है? देखो ने बा, सविता दीदी की तबीयत खराब हो गई, गायत्री बाहर गई है, मधु और रघु दोनों नहीं है, क्या करूं मैं? देखो ना कितना काम बाकी है मेरा। मैं तेरी कुछ मदद करूं? अरे आप मदद करेगी बहुत अच्छा होगा। एक काम करो, आपको पालक छील के, हाँ, मैं भी फटाफट निकाल के दूंगा। ये दे। बा, बा कहाँ है आप? मुझे आपसे काम है। अरे हाँ आई, तुलसी बुला रही। मैं भी आती बेटा, आप भी आती, अभी सब काम निपटा दूंगी। तुलसी को भी अभी बुलाना था, सब अकेले करना पड़ेगा। कब से अपने आप से बात कर रही हूँ। वो जूनागढ़ के ज्योतिष ने कहा था, दक्षा तुम्हारे आजू बाजू नौकर ही नौकर होंगे। मुझे लगता है सब नौकर का नाम इधर दक्षा ही होगा। हाय हाय, अभी तो पपीते की चटनी भी बनानी है। माँ कहती है, दक्षा तुम बहुत बढ़िया चटनी बनाती हो। मुझे लगता है सास और बहू मिलकर मेरी चटनी बना रहे हैं। ये जल्दी करके दो ने बा। हाँ। बा, आपकी सहेलियाँ कितने बजे आने वाली है? 7 बजे। हाय हाय, मतलब एक ही घंटा बाकी है। हाँ। अरे मेरे चिराग के मेहमान लोग आने वाले होते ने तो अलग बात होती। सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, ये लोग को वो इनवाइट करता और उनको मैं पपीते की चटनी खिलाती। लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ बा, मुझे जरा वो मिक्सर। हाँ, दे, 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 दे। बा, हाँ? बा जरा यहाँ आना। मुझे लगता है तुलसी को कुछ काम है। तुम किचन संभाल, सब काम मत बना। हाँ। मैं भी आती, अब भी आई, अभी जाके आई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जाओ, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगी, मैं सब काम संभाल लूंगी। सहेलियां बाकी आ रही है, टेंशन मुझे हो रहा है। अरे अरे, एक अकेली इस किचन में, रात में और दो पहर में, साबुदाना ढूंढती है, खाना पीना पकाती है। एक अकेला शहर में, रात में और दो, तुम लोगों को घर मिलने में परेशानी तो नहीं हुई कुछ? अरे नहीं बा, पर आपका घर बहुत अच्छा है। मेरे घर वाले भी बहुत अच्छे हैं। ये मेरे पोते मिहिर की बहू है तुलसी, मेरा बहुत ख्याल रखती है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है, सच अ स्वीट बहू। अच्छा देखो, तुम लोग सब अपना घर समझ के खाना, कोई भूखे मत रहना, जो मर्जी है मंगा लेना। हाँ भाई, ये चटनी बहुत अच्छी बनी है। अच्छी लगी? हाँ बहुत अच्छी लगी, अभी मंगा। दक्षा बेटा चटनी लेके आना। चटनी ले बेटा ले। ये निकुड़ी को अच्छी लगी तो जाके होटल में खाए। बाकी सहेलियां सेजल की उम्र की होगी नहीं, ये तो पता ही नहीं था भाई। चटनी बहुत ही अच्छी बनी आंटी। खाओ, हाँ आराम से खाओ चटनी, एक घंटा लगता है ये चटनी बनाने को। खाओ। हाँ चाची, हा? निकी को चटनी इतनी पसंद है तो आप एक पूरी बॉटल भर के से दे दीजिए ना। हाँ। खत्म हो गई चटनी, नहीं आऊंगी। मुझे इसे बहुत पसंद है, आप बनाएंगे नहीं? ठीक है, बनाती हूँ। हाँ चटनी बनाती हूँ, मम्मी के लिए चाहिए, बना दूंगी। है खाओ अभी खाना। थैंक यू बा, खाना बहुत ही अच्छा बना है। आपके घर में सब एक्सपर्ट है। हाँ। हाँ। डाल दीजिए। आंटी जी राइस। खाना बहुत अच्छा बना है। ये डाल दीजिए। अच्छा बना रहा चटनी, खाना क्या बढ़िया बनाती मेरी बहू।
उसको सोच दक्षा उसको चाहिए कुछ। हाँ क्या चाहिए बेटा? अच्छा अच्छा चावल चावल नहीं चावल चावल ये डाल दीजिए। चल जल्दी चल ये पानी दो ना प्लीज प्लीज। अरे आराम से आराम से घबरा घबरा मत। रोटी 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 किसको चाहिए? लो रोटी किसको? ओफो बस 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 मेरी तीनों बहुएं ने खाना बनाने में बहुत ही होशियार हैं। दक्षा चाची तो नंबर वन है। कुछ भी बनाओ ना उंगलियां चाटते रह जाओगे, है ना चाची? अच्छा और पता है इसको फिल्मों का बहुत ही शौक है। हाँ हर फिल्म का पता होता है कौन सा सीन किसने किया कब और कौन क्या क्या बोलते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। सच आंटी? आंटी आपने ये मिशन कश्मीर देखी? मैंने सिर्फ कश्मीर देखा है। क्या दूं तुमको? चावल दो चावल। हाँ डालिए। और इसमें ऋतिक ने और संजय दत्त ने क्या काम किया है आंटी, अब देखना एक बार फिल्म। और कुछ चाहिए अभी? चपाती बस हो गया। और आंटी ये मोहब्बतें फिल्म आपने देखी? अरे भाई साहब तुम लोग के मोहब्बत है ना काफी है मेरे लिए। हाँ अभी नफरत पिक्चर आएगी ना तब मैं देखेंगी। और क्या दू चपाती दू चपाती। क्या आंटी आप भी ना। और आंटी ये चिराग आपका बेटा है ना जो सीरियल में आता है? कौन चिराग? हाँ चिराग ने हाँ चिराग मेरा बेटा है सुपरस्टार है। क्या दूं भाई सब तुमको अभी? सब्जी दाल चावल सब और क्या चाहिए बोलो चाहिए। और बना दो ना जी वो जो गोभी की सब्जी है ना मुझे जरा चाहिए। बहुत अच्छी बनी यार बहुत अच्छी बनी थी और दाल और बहुत अच्छी बनाई दक्षा। थैंक यू बहुत काम कर दी मेरी बहुत। ओ माड़ी रे बहुत दुख रहा है बाबा। अरे अरे बाकी साथ सहेलिया ने मेरी कमर ही तोड़ दी। लेकिन दक्षा मैंने तुम्हें कहा था कि कहीं बाहर चली जाओ लेकिन तुम हो के मानती नहीं हो। गायत्री धीरे कर ने बाबा जरा धीरे कर। ये मेरी कमर है तेरा डांस का स्टेज नहीं है। लेकिन भाभी जरा जोरों से करूंगी तभी तो आपको आराम मिलेगा। अच्छा अच्छा ठीक है कर धीरे कर बाबा। सच्ची में बाहर ना छुपे रुस्तम निकली इतनी बूढ़ी है सहेलिया सब जवान निकली और वो भी एकदम भूखर थी एक एक भूखर थी। चार चार दिन से खाना नहीं खाया होगा सबने। लेकिन भाभी सुना है बा ने आपकी बहुत तारीफ की है। अरे क्या फर्क पड़ता है तारीफ आई क्या फर्क पड़ते है तारीफ करने। दक्षा अभी जो हुआ उसे भूल जाओ। हम समझेंगे कि हमने 10 भिखारियों को खाना खिला दिया बस। अरे लेकिन मैं क्यों भिखारी को खाना खिलाऊं बाबा? अरे भाभी ये सब छोड़िए 9 बज रहे हैं कौन बनेगा करोड़पति नहीं दिखना है आपको? अरे 9 बज गए अरे मुझे तो देखना है अमिताभ को कैसे मैं छोड़ सकती हूँ। कहते मुझे लेके जाएगी टीवी तक। हाँ जरूर मेरा भूपति अभी देख रहा होगा नहीं कौन बनेगा करोड़पति। चले धीरे हाँ, मैं सोते सोते देखूंगी। हाँ, मुझे एक तो धीरे लेके जा मुझे नहीं मुझे इधर ही लॉक कर दो। श्योर कॉन्फिडेंट हेल्पलाइन। हाँ ठीक है मैं बाद में फोन करती हूँ वापिस। अरे स्वाती मेरी बेटी कैसी है रे तू? अच्छी हूँ मम्मी। एकदम खुशखुशहाल है ना? तू बहुत दुबली पतली क्यों लग रही है? कहाँ मम्मी इनफैक्ट मेरा वजन बढ़ गया है। अच्छी इतना अच्छा लग रहा है तुझे ऐसे खुशखुशहाल देखकर। हे जलाराम बापा मेरा जीवन एकदम सार्थक हो गया। मेरा चिराग भी कुछ बन कर आया है मेरी बेटी भी ससुराल में एकदम खुशखुशहाल है। अब और क्या चाहिए मुझे बस एकदम जल्दी से मुझे नानी माँ बना दे। हाय हाय फिर तो मुझे बाल सफेद करने पड़ेंगे वरना लोग बोलेंगे ऐसी नानी माँ तो हमने देखी नहीं है इतनी यंग। किसका बच्चा है ये पड़ोसी का? नहीं मम्मी मेरा। अच्छा अच्छा तुम क्या क्या बोल क्या रही है फान में है ना तू होश में है ना? 6352888 हर वक्त ये लाइन बिजी रहती है। वापिस ट्राई करती हूँ 6352888
सच्ची में सबको है ना बिना पैसे करोड़पति बन जाना है। क्या हुआ मम्मा, क्या हुआ? यहाँ कौन बनेगा करोड़पति? अरे बाबा मुझे क्या मालूम। अरे बाबा उसका नंबर नहीं लग रहा है, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा वो अपना कौन बनेगा करोड़पति? इम्पॉसिबल मम्मा, नो चांस एट ऑल, भूल जाओ आप। अरे क्यों पनौती लगा रहा है, क्यों नहीं लगेगा मेरा नंबर? अरे मम्मी वो प्रोग्राम में बैठने के लिए पूरा हिंदुस्तान पीछे पड़ा हुआ है, सुबह 6 बजे से शुरू हुआ होगा वो सिलसिला। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे कहाँ करोड़पति बनना है, वो तो खाली अमिताभ के सामने बैठ के ऐसे दो बातें करनी है, जया भाभी के बारे में उसको पूछना है, उसकी बेटी के बारे में पूछना है। इसके लिए मम्मी अगर ये फिल्में, ये फिल्मी कलाकार ना होते तो आपका क्या होता? तू नहीं होता। मैंने ना हमेशा ऐसा सपना देखा था कि मेरा बेटा बड़ा होके फिल्म स्टार बनेगा, इसलिए फिर मैंने ना तुझे पैदा किया। हा? अभी चुप रहे। अरे तू तो मेरा ऋतिक है और तू मेरा नाम रोशन करेगा। मम्मी ये फिल्म इंडस्ट्री में है ना बड़े बड़े हीरो और हीरोइन के बच्चों को भी स्ट्रगल करनी पड़ती है, तो मैं क्या हूँ? और पता नहीं आप तो अपने आप को क्या समझती है। ये तू क्या समझता है मुझको? अरे मैं है ना आजकल की हीरोइन है ना, उन लोग से कम नहीं हूँ। क्या किसकी एक्टिंग करके दिखाऊं मैं? बेटा की माधुरी दीक्षित बनूं, ये हेमा मालिनी बनूं क्या शोले की? अरे चल धन्नो, बसंती की इज्जत का सवाल है। मम्मी आप तो रात दिन बस फिल्मों की बातें ही करती रहती हो। तुमको क्या प्रॉब्लम है? जाओ ना बाबा शूटिंग पे जाओ, अभी मेरे को फोन करने। नहीं मम्मा शूटिंग पे नहीं आना। क्यों? वो सलमान नहीं आया ना तो शूटिंग पोस्टपोन हो गई। हाय हाय चिराग, तू सलमान खान के साथ काम कर रहा है? नहीं मम्मा सलमान खान नहीं, सलमान कैमरामैन, वो बीमार हो गया बेचारा इसलिए शूटिंग पोस्टपोन हो गई। सलमान खान एक्टर में से कैमरामैन बन गया, एक पिक्चर फ्लॉप हुई उसमें, कौन सी थी वो हर दिल जो प्यार करेगा, उसमें वो एक्टर में से कैमरामैन हो गया, अभी वो फोटो गिराएगा? नहीं मम्मा मैं आपको समझाना बहुत मुश्किल है, मैं जा रहा हूँ। अरे अरे बहुत बैड न्यूज है सलमान खान, मुझे बताने दो। हेलो, अरे कोकिला बेन एक बैड न्यूज देती हूँ, अपना सलमान खान हीरो है ना अभी वो कैमरामैन बन गया। अरे अभी सोचो तो वो शर्ट भी उसको पहनना पड़ेगा, है कितने सारे शर्ट होंगे उसके, अभी पहनेगा रोज एक नया शर्ट पहनेगा, है?